Hello students, today we are continuing chapter 2 science microorganisms for Swaminarayan student. Okay, in earlier lecture we have studied about the diseases caused in human being. We'll be continuing that topic. आज का टॉपिक है डिजीज कॉज्ड इन ह्यूमन बीइंग थ्रू इंसेक्ट्स. इंसेक्ट से ह्यूमन बीइंग में कैसे डिजीज होती है, राइट? तो जो डिजीज इंसेक्ट से होती है वो डिजीज को वेक्टर बोर्न डिजीज बोलते हैं. जो डिजीजेस इंसेक्ट्स फैलाते हैं, जो डिजीज इंसेक्ट से होती है, उन डिजीजेस को बोलते हैं वेक्टर बोर्न डिजीजेस, राइट? अब ये जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे फ्लाइज और ये सब अनहेल्दी और अनहाइजीनिक डर्टी प्लेसेस पे बैठते हैं, जैसे ड्रेनेज या कुछ खराब चीजों पे बैठते हैं. वो जैसे गंदी अनहाइजीनिक डर्टी प्लेस पे बैठती है तो खुद के बॉडी में वो खराब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच कर लेती है. अब ये फ्लाइज मॉस्किटोज जब कोई फूड आइटम पे बैठते हैं तो वो फूड आइटम में जो माइक्रोब उनकी बॉडी में चिपका हुआ है वो माइक्रोब वो गंदगी फूड आइटम में भी डाल देता है. वो फूड आइटम या वो वाटर जब एक हेल्दी ह्यूमन बींग कंज्यूम करता है तो उनको भी बीमारियां हो जाती है, ठीक है? इनको कैरियर्स बोला जाता है बिकॉज ये पैसिवली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं. ये जो भी हाउस फ्लाइज इंसेक्ट्स और ये जो फ्लाइज और ये सब होते हैं इनको क्या बोला जाता है, कैरियर्स, बिकॉज ये पैसिवली मतलब एक्टिवली दैट इज डायरेक्टली नहीं लेकिन पैसिवली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करती है, राइट? वापस एक बार ध्यान दो, अपन आज पढ़ने वाले जो डिजीजेस ह्यूमन बींग में इंसेक्ट्स के थ्रू होती है, तो सबसे पहली बात ये याद रखना जो डिजीजेस ह्यूमन बींग में इंसेक्ट्स के थ्रू होती है उस डिजीज को बोला जाता है वेक्टर बॉर्न डिजीज, राइट? दूसरा सवाल ये डिजीजेस होती कैसे? तो अब जो भी इंसेक्ट होते हैं जैसे फ्लाइज मॉस्किटो वो कोई अनहाइजीनिक या डर्टी प्लेस पे जाके बैठती है जैसे ड्रेनेज और ये सब. जैसे वो अनहाइजीनिक और डर्टी प्लेस पे बैठती है तो खुद के बॉडी में खराब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टिक कर लेती है, उनकी बॉडी में खराब माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक जाते हैं. अब ये फ्लाइज उड़ते उड़ते जब कोई खाने की फूड आइटम में जाके बैठती है तो जो खराब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके बॉडी में चिपके हुए थे वो खाने में भी आ जाते हैं. और वो फूड आइटम जब ह्यूमन बींग कंज्यूम करते तो ह्यूमन बींग को भी बीमारियां हो जाती है बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली उनकी बॉडी में आ जाते हैं, राइट? इनको कैरियर्स बोला जाता है. इनको कैरियर्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये दे कैरी पैसिवली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैसिवली कैरी करते हैं इसलिए उनको कैरियर्स बोला जाता है. इतना क्लियर हो? वेक्टर बॉर्न डिजीजेस किसको बोलते हैं, कैरियर किसको बोलते हैं, फिर ये जो हाउस फ्लाइज है, ये जो भी इंसेक्ट्स है वो डिजीजेस फैलाते कैसे, क्लियर? बोर्ड पे ध्यान दो. अब हमारे डिजीजेस इन ह्यूमन बींग उसमें सबसे पहले थ्रू इंसेक्ट. डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट सच एज फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आर कॉल्ड वेक्टर बोर्न डिजीज. बोला है कि सबसे पहले वेक्टर बोर्न डिजीज किसको बोलते हैं, तो द डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट. जो डिजीज इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती है लाइक फ्लाइज एंड मॉस्किटो वो डिजीजेस को बोला जाता है वेक्टर बोर्न डिजीज, ठीक है? तो पूछ सकते हैं वन मार्क में व्हाट आर वेक्टर बोर्न डिजीज, सो यू नीड टू राइट डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू फ्लाइज सॉरी थ्रू इंसेक्ट सच एज फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आर कॉल्ड वेक्टर बोर्न डिजीज. फिर हाउ कैसे, फ्लाइज सिट ऑन द डर्टी एंड अनहेल्दी प्लेसेस लाइक गार्बेज और ड्रेनेज. फ्लाइज अनहेल्दी और डर्टी प्लेसेस पे बैठती जैसे गार्बेज ड्रेनेज उन सब में एंड कैरी जर्म्स अटैच टू देयर बॉडी उनके बॉडी में जर्म्स चिपक जाकर वो जर्म्स को कैरी करते हैं. दिस कैरी देयर जर्म्स टू फूड आइटम्स से सिट, तो जिस भी फूड आइटम्स में बैठते हैं वो जर्म्स उस पर कैरी करते हैं. दे कैरी हार्मफुल माइक्रो पैसिवली, ये पैसिवली एक्टिव नहीं कैसे पैसिवली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कैरियर्स बोला जाता है, राइट? ऑन कंजम्पशन ऑफ इन्फेक्टेड फूड, जब आप ऐसा खाना खाते हो जो फ्लाइज जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टिक करके गए, इन्फेक्टेड फूड को जब आप खाते हो, अ हेल्दी पर्सन गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम डिजीज, तो वो इन्फेक्टेड फूड खाने से एक हेल्दी पर्सन को भी बीमारी हो जाती है, एक हेल्दी पर्सन को भी डिजीजेस हो जाती है. ओके, आई होप इतना क्लियर अपन ने पढ़ा. डिजीजेस जो इंसेक्ट्स के थ्रू स्प्रेड होती है, इसको आगे डिस्कस करते, पहले इसके नोट्स बना लो. ये पढ़ा कि जो भी ये वेक्टर्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग में अलग अलग तरीके से डिजीजेस स्प्रेड करते हैं. जैसे जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड कैसे होता है, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, जो फूड एंड वाटर इन्फेक्ट हुआ है, जो खराब हुआ है, जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है जब ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करते हैं तो उनको क्या हो जाता है, उनको टाइफाइड हो जाता है.
दूसरा एक जरिया ऐसे जब मॉस्किटोस बाइट करते हैं ह्यूमन बींग को, तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग में इंजेक्ट करके ह्यूमन बींग को डिजीजेस कॉज करते हैं, ठीक है। तो कौन सी बीमारी जो इंसेक्ट के बाइट से होती है, जैसे मलेरिया और डेंगू। मलेरिया और डेंगू एग्जाम्पल है बीमारी का जो मॉस्किटो बाइट करने से होती है, राइट। जैसे मलेरिया कौन से मॉस्किटो से होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। मलेरिया जो है ना वो कौन से मॉस्किटो से होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। और डेंगू किससे होता है, एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो, क्लियर। अपन ये पढ़ रहे हैं कि वेक्टर के थ्रू डिजीजेस कैसे स्प्रेड होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट होते हुए अपन ने ये पढ़ा वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कौन सी होती है, और ये जो मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कैसे डिजीजेस स्प्रेड करते हैं। फिर अपन ने यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ा टाइफाइड का। टाइफाइड कैसे होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जो खराब फूड एंड वाटर जब एक हेल्दी पर्सन कंज्यूम करता है तो उसको टाइफाइड हो जाता है। फिर मलेरिया और डेंगू ऐसी बीमारियां जो इंसेक्ट के बाइट से होती है, राइट। इंसेक्ट अगर बाइट कर लेता है ह्यूमन बींग को, हेल्दी ह्यूमन बींग को जब वो बाइट करेगा तो हेल्दी ह्यूमन बींग में डिजीज इंजेक्ट हो जाएगी, राइट। फिर अपन ने पढ़ा जो मॉस्किटोज है वो किससे, सॉरी, जो मलेरिया है वो किससे होता है, वो होता है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से मलेरिया होता है। और डेंगू किससे होता है, एडीज मॉस्किटो, क्लियर। तीसरा मेथड अपन पढ़ रहे हैं, तीसरा मेथड अपन ने सबसे पहले पढ़ा था एयर के थ्रू कैसे ट्रांसमिट होते हैं डिजीजेस, फिर थ्रू इंसेक्ट कैसे, अब लास्ट में थ्रू कट्स एंड वुंड्स। कभी कट लग जाता है तो वुंड्स या कोई घाव हो गया उससे कैसे डिजीज स्प्रेड होता है। अब एक टेटनस डिजीज है जो बैक्टीरिया से होते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनस, ठीक है। एक टेटनस करके बीमारी है, वो टेटनस जो बीमारी एक ऐसे बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनस। ये जो क्लॉस्ट्रिडियम टेटनस बैक्टीरिया वो अपनी बॉडी में आता कैसे, जो क्लॉस्ट्रिडियम टेटनस बैक्टीरिया अपनी बॉडी में, अपन को कभी कोई कट लग जाता है तो ये बैक्टीरिया ये कट से घुस के अपनी बॉडी में आता है, अपनी बॉडी में टेटनस नाम की बीमारी करता है। इससे जब भी कुछ लग जाता है तो अपन बोलते हैं टेटनस के इंजेक्शन लगा लो। टेटनस के इंजेक्शन लगा लो मतलब जिससे ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इंजेक्ट नहीं हो पाए, क्लियर। अपन पढ़ रहे हैं थ्रू कट्स एंड वुंड्स कैसे डिजीजेस स्प्रेड होती है, राइट। तो अपन ने एक एग्जांपल पढ़ा कि टेटनस नाम की एक डिजीज है, वो एक ऐसे बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम होता है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनस, राइट। ये जो बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनस, ये बॉडी में कैसे एंटर होते हैं, एंटर इन द बॉडी थ्रू कट्स एंड वुंड्स। जो कट लग जाते हैं, कोई इंजरी हो जाती है, वो कट से अपनी बॉडी में बैक्टीरिया आता है और अपने में टेटनस नाम की बीमारी छोड़ के जाता है। तो अपन ने ये पढ़ा अभी साइड में कि जो टाइफाइड है वो डिजीज होती है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। फिर अपन ने पढ़ा कुछ कुछ ऐसी डिजीज होती है जो इंसेक्ट बाइट से होती है, मलेरिया और डेंगू। मलेरिया किससे होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, और डेंगू किससे होता है, एडीज मॉस्किटो, राइट। देन वी हैव स्टडीड कुछ कुछ डिजीजेस थ्रू कट्स एंड वुंड्स भी होती है, उसमें अपन एक डिजीज का नाम पढ़ा टेटनस। वो टेटनस डिजीज को कॉज करते हुए बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनस, राइट। और ये क्लॉस्ट्रिडियम टेटनस बैक्टीरिया अपने बॉडी में थ्रू कट्स एंड वुंड्स एंटर होता है। इज इट क्लियर, बोर्ड पे ध्यान दो। टाइफाइड किससे होता है, कंजम्पशन ऑफ इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। मॉस्किटो बाइट इन्फेक्टेड पर्सन एंड ट्रांसफर डिजीज टू हेल्दी पर्सन। मॉस्किटो क्या करते हैं, दे बाइट द इन्फेक्टेड पर्सन एंड ट्रांसमिट द डिजीज टू हेल्दी पर्सन। मॉस्किटो बाइट्स इन्फेक्टेड पर्सन एंड ट्रांसफर द डिजीज टू इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू बाइट। मलेरिया एंड डेंगू किससे होता है, मॉस्किटो बाइट से। मलेरिया किससे होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, और डेंगू किससे होता है, एडीज मॉस्किटो, क्लियर। फिर अपन पढ़े थ्रू कट्स एंड वुंड्स। टेटनस इज अ डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम टेटनस। टेटनस का एक डिजीज है विच इज कॉज बाय द बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम टेटनस। दिस बैक्टीरिया एंटर द बॉडी थ्रू ब्रेक इन द स्किन सच एज कट्स एंड वुंड। मतलब जब अपनी स्किन में कुछ बीच में ब्रेक आ जाता है, जैसे उसको कोई कट लग जाता है या कोई वुंड हो जाता है, वहां से ये बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होता है। आई होप इट्स क्लियर। इतना कॉपी डाउन कर फिर आगे करते हैं। अब अपन थोड़ी डिजीजेस, उनके पैथोजेंस, उनका ट्रांसमिशन मोड और उनके प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़ने वाले। अपन अलग अलग डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे वो डिजीज का पैथोजन कैसा है। पैथोजन मतलब क्या, याद है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज। कौन सा जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारी होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन बोलते हैं। तो अपन वो पर्टिकुलर डिजीज के पैथोजन के बारे में पढ़ेंगे, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो कैसे फैलती है डिजीज, उसके बारे में, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले कॉलेरा।
कॉलेरा कौन से पैथोजन से होता है? तो कॉलेरा होता है बैक्टीरिया से. कॉलेरा कौन से पैथोजन से होता है? बैक्टीरिया. आपको याद रखना, आपको वन मार्क में पूछ सकते हैं. अब कॉलेरा कैसे ट्रांसमिट होता है? थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. जो भी कंजम्पशन ऑफ इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, जो कंटामिनेटेड है इन्फेक्टेड फूड या तो वाटर अगर हम कंज्यूम करते तो उनको कॉलेरा हो सकता है. अब कॉलेरा का बचाव क्या, उसकी वैक्सीनेशन सॉरी उसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है? तो पहला वैक्सीनेशन, दैट इज कॉलेरा की वैक्सीनेशन ले लो जिससे आपको कॉलेरा नहीं हो. दूसरा मेजर है अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड एंड वाटर. ऐसा खाना या ऐसा पानी मत कंज्यूम करो जो ढका हुआ नहीं है. खुले खाने या पानी को मत कंज्यूम करो. क्लियर? वापस कॉलेरा के बारे में पढ़ रहे. कॉलेरा का पैथोजन कौन सा? बैक्टीरिया. कॉलेरा का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वो होता है थ्रू कंजम्पशन ऑफ द इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. जो भी खराब पानी या खराब खाने को जब हम कंज्यूम कर लेते हैं तब हमको कॉलेरा हो जाता है. और कॉलेरा से प्रिवेंट करने के लिए या तो आप प्रॉपर वैक्सीनेशन लो या तो अवॉइड ईटिंग द अनकवर्ड फूड एंड वाटर, या तो जो अनकवर्ड फूड एंड वाटर उसको मत कंज्यूम करो. फिर अपन पढ़ने वाले चिकन पॉक्स से, चिकन पॉक्स के बारे में. चिकन पॉक्स का पैथोजन कौन सा है? चिकन पॉक्स वायरस से होता है. किससे होता है? वायरस से. और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है? चिकन पॉक्स यूजुअली जो भी जिस इंसान को चिकन पॉक्स है उनके कपड़े, उनका कोई टॉवल, उनके कोई भी बिलोंगिंग्स जब यूज करते तो अपन को भी चिकन पॉक्स हो जाता है. चिकन पॉक्स कैसे होता है? जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके टॉवल्स, उसके कपड़े, उसके बिलोंगिंग्स यूज करने के लिए. तो आप इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है? इसका प्रिवेंटिव मेजर या तो वैक्सीनेशन ले लो चिकन पॉक्स की, या तो स्टे अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन. जो भी पर्सन को चिकन पॉक्स हुआ उससे दूर रहो. उसके बिलोंगिंग, उनके कपड़े, उनके जो भी यूज यूटेंसिल्स है उनके बिलोंगिंग से दूर रहो. चिकन पॉक्स के बारे में वापस रिवाइज कर रहे हैं. चिकन पॉक्स कौन से पैथोजन से होता है? चिकन पॉक्स होता है वायरस से. अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसका टॉवल, उसके कपड़े, उसके बिलोंगिंग यूज करने से. इसको ट्रांसमिशन, इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है? या तो वैक्सीनेशन दे दो या तो अवॉइड यूजिंग द बिलोंगिंग्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. इन्फेक्टेड पर्सन से भी दूर रहो और उनकी बिलोंगिंग से भी दूर रहो. नेक्स्ट इज पोलियो. पोलियो भी वायरस से होता है. पोलियो भी कौन से पैथोजन से होता है? वायरस से होता है. और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? पोलियो कैसे होता है? पोलियो इन्फेक्टेड वाटर से होता है. पोलियो वायरस वाला पानी, जिस वायरस से पोलियो होता है वैसा जब पानी कंज्यूम कर लेते उससे पोलियो होता है. ठीक है? और इसका प्रिवेंटिव मेजर से एक है वैक्सीनेशन. जो वैक्सीनेशन होता है अगर आप उसको लोगे तो पोलियो नहीं होगा. पोलियो का पोलियो का पैथोजन है वायरस और वो होता है थ्रू कंजम्पशन ऑफ इन्फेक्टेड वाटर. और इसका प्रिवेंटिव मेजर है प्रॉपर वैक्सीनेशन. अपन ने तीन डिजीजेस के बारे में पढ़ा, कॉलेरा, चिकन पॉक्स और पोलियो. उनका पैथोजन के बारे में पढ़ा, उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा और प्रिवेंटिव मेजर के बारे में पढ़ा. क्लियर? एक बार बोर्ड पे ध्यान दो. सबसे पहले कॉलेरा के बारे में. कॉलेरा का पैथोजन है बैक्टीरिया. कॉलेरा का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कॉलेरा का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंजम्पशन ऑफ इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. कॉलेरा का प्रिवेंशन क्या है? वैक्सीनेशन दो या तो अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड एंड वाटर. देन चिकन पॉक्स. तो चिकन पॉक्स का पैथोजन है वायरस. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड क्लोथ्स. जो भी इन्फेक्टेड क्लोथ्स है, टॉवल है, इन सबसे कॉन्टैक्ट. और इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है? तो प्रॉपर वैक्सीनेशन लो या स्टे अवे फ्रॉम द पेशेंट एंड देयर बिलोंगिंग. पेशेंट और उनके बिलोंगिंग से दूर रहो. पोलियो. पोलियो का पैथोजन है वायरस. पोलियो का ट्रांसमिशन मोड क्या? कंजम्पशन ऑफ इन्फेक्टेड वाटर. और उसका प्रिवेंटिव मेजर है प्रॉपर वैक्सीनेशन. आई होप इतना क्लियर हुआ. एक बार इसके नोट्स बनाओ फिर फर्दर डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं. ओके, अब अपन पढ़ रहे हैं टाइफाइड के बारे में. टाइफाइड बेसिकली कौन से पैथोजन से होता है? टाइफाइड होता है बैक्टीरियम से. ठीक है? अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है टाइफाइड होता है फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ इन्फेक्टेड वाटर. अगर आप ऐसा पानी कंज्यूम कर रहे हो जिसमें टाइफाइड के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, टाइफाइड की बैक्टीरिया है, तो उससे आपको टाइफाइड हो सकता है. और उसका प्रिवेंटिव मेजर ये है कि आपकी जो सैनिटेशन हैबिट्स है वो अच्छी होनी चाहिए. हाइजीनिक वे में आप सैनिटाइज करो. सैनिटाइजेशन हैबिट अच्छी होनी चाहिए. ठीक है? टाइफॉइड के बारे में पढ़ा. टाइफॉइड कौन से पैथोजन से होता है? बैक्टीरिया से होता है. और टाइफॉइड का मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे? थ्रू वाटर, पानी से स्प्रेड होता है. और इसका प्रिवेंटिव मेजर है प्रॉपर सैनिटेशन हैबिट.
उसके बाद अपन ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़े, टीबी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरिया से ही होता है, ट्यूबरकुलोसिस का भी पैथोजन क्या है, बैक्टीरिया। और ट्यूबरकुलोसिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इन्फेक्टेड सलाइवा स्पेक्टम, जो भी इन्फेक्टेड जिस पर्सन का सलाइवा, जो उसका कफ होता है, अगर उससे कंटेक्ट हो जाते तो इन्फेक्टेड सलाइवा के कारण ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, वो सलाइवा से रिलेटेड होता है। उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है प्रॉपर वैक्सीनेशन, क्लियर। ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज है उसका भी पैथोजन होता है बैक्टीरिया, राइट। और ये ट्यूबरकुलोसिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इन्फेक्टेड सलाइवा या स्पेक्टम, और उसका प्रिवेंटिव मेजर है वैक्सीनेशन। फिर है रिंगवॉर्म्स। रिंगवॉर्म्स करके एक बीमारी है जिसका पैथोजन होता है फंगस। रिंगवॉर्म करके एक बीमारी जिसका पैथोजन होता है फंगस, और रिंगवॉर्म का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। जिसको भी रिंगवॉर्म्स, अगर आप उसके साथ रहोगे, उसके साथ कॉन्टैक्ट करोगे, तो आपको भी रिंगवॉर्म्स हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकता है। और इसका प्रिवेंटिव मेजर है अच्छी हाइजीनिक हैबिट, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स और जो भी क्रीम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो अप्लाई करना। रिंगवॉर्म कौन से पैथोजन से होता है, रिंगवॉर्म होता है फंगस से, और रिंगवॉर्म का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। जिसको भी रिंगवॉर्म हो उसके साथ कंटैक्ट होने से ट्रांसमिशन होता है रिंगवॉर्म का। और उसका प्रिवेंटिव मेजर है प्रॉपर हाइजीनिक रहना, एंड देन प्रॉपर जो भी क्रीम और एंटीबायोटिक्स होते हैं प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स वो यूज करना। देन वी आर स्टार्टिंग अबाउट डायरिया, सॉरी कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का जो पैथोजन है वो है वायरस। कोल्ड कॉमन कोल्ड किससे होता है, वायरस से। और उसका जो मोड ऑफ कंटामिनेशन है हवा, एयर। एयर से कॉमन कोल्ड होता है, और उसके प्रिवेंटिव मेजर है वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, यूज हैंडकरचीफ व्हाइल स्नीजिंग, हाथ अच्छे से दो, व्हेनेवर यू स्नीज यू शुड कवर योर फेस विद द हैंडकरचीफ, ठीक है। कॉमन कोल्ड जो है, कॉमन कोल्ड कौन से पैथोजन से होता है, कॉमन कोल्ड होता है वायरस से। कॉमन कोल्ड किससे होता है, वायरस से। और कॉमन कोल्ड का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है थ्रू एयर, और कॉमन कोल्ड का प्रिवेंटिव मेजर यू शुड वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली एंड कवर योर फेस विद हैंडकरचीफ, ओके। उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं अपन डायरिया। डायरिया के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, डायरिया का जो पैथोजन होता है, डायरिया का जो पैथोजन होता है वो होता है बैक्टीरिया, राइट। डायरिया बैक्टीरिया से होता है, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कंजम्पशन ऑफ इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। मतलब अगर आप ऐसा फूड एंड वाटर कंज्यूम कर रहे हो जो इन्फेक्टेड है, उसको कंज्यूम करने से अपन को डायरिया हो सकता है। एंड देन उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है अवॉइड अनकवर्ड एंड स्ट्रीट फूड। जो स्ट्रीट फूड होता है या प्रॉपरली कवर्ड फूड नहीं होता, उसको आप अवॉइड करो, राइट। तो अपन ने अभी चार डिजीज के बारे में पढ़ा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, रिंगवॉर्म, कॉमन कोल्ड, डायरिया। पांच, सॉरी, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, रिंगवॉर्म, कॉमन कोल्ड, डायरिया। पांचों को रिवाइज कर दे, बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। अब टाइफाइड का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, कंजम्पशन ऑफ इन्फेक्टेड वॉटर। वॉटर जो पानी इन्फेक्टेड है उसको कंज्यूम करने से टाइफाइड होता है। और इसके प्रिवेंटिव मेजर क्या है, प्रॉपर सैनिटेशन हैबिट। प्रॉपर सैनिटेशन हैबिट ही उससे आपको बचा सकती है फ्रॉम टाइफाइड। फिर ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का प्रिवेंटिव मेजर क्या है, सॉरी, ट्यूबरकुलोसिस का पैथोजन क्या, बैक्टीरियम। उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इन्फेक्टेड सलाइवा और स्पेक्टम, और इसका प्रिवेंटिव मेजर है प्रॉपर वैक्सीनेशन। रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म का पैथोजन है फंगस, ठीक है। और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। जिसको भी रिंगवॉर्म हो उसे डायरेक्ट कंटैक्ट में आने से ये ट्रांसमिट होता है। प्रिवेंटिव मेजर गुड हाइजीन, अच्छा रखो, एंटीबायोटिक्स और क्रीम लगा। कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का जो पैथोजन है वो है वायरस। और कॉमन कोल्ड किससे ट्रांसमिट होते हैं, थ्रू एयर। प्रिवेंटिव मेजर में आप क्या कर सकते हो, वॉश योर हैंड्स एंड यूज हैंडकरचीफ व्हाइल स्नीजिंग, राइट। डायरिया किससे होता है, बैक्टीरिया से। डायरिया होता है बैक्टीरिया से, और डायरिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंजम्पशन ऑफ इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। और उसका प्रिवेंटिव मेजर है अवॉइड अनकवर्ड एंड स्ट्रीट फूड। ओके, आई होप इतना क्लियर। इसकी नोट्स बनाओ। आप अपन पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया किससे होता है, मलेरिया का जो पैथोजन है वो है प्रोटोजोआ। मलेरिया का जो पैथोजन है वो है प्रोटोजोआ। अब मलेरिया का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो है कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड क्लोथ्स और टॉल। मतलब जिसको भी मलेरिया हुआ उसके टॉवल, उसके क्लोथ्स, उसके बिलोंगिंग से अगर कॉन्टैक्ट करेंगे तो
उसका वो मोटर ट्रांसमिशन है, उसका प्रोटेक्टिव मेजर है अवॉइड लेटिंग मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टेग्नेंट वाटर. जो स्टेग्नेंट वाटर होता है, जो स्टिल पानी होता है, पानी इकट्ठा जैसे वाटर कूलर्स में या जो बकेट होता है, बकेट में कहीं भी पानी जमा मत रहना. अगर पानी इकट्ठा होगा वहां पे मॉस्किटोज आएंगे और वो मॉस्किटोज आपको बाइट करेंगे तो मलेरिया होगा. तो पानी मत रखो बकेट्स और इन सब में या कहीं भी जगह पानी को स्टेग्नेंट मत रहने दो. ठीक है, तो अवॉइड लेटिंग मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टेग्नेंट वाटर. ठीक है, मलेरिया मलेरिया का पैथोजन है प्रोटोजोआ. इन्फेक्टेड पर्सन के बिलोंगिंग से ट्रांसमिट होता है. इसका प्रिवेंटिव मेजर में आपको क्या करना है, स्टेग्नेंट वाटर में मॉस्किटोज ब्रीड करने मत दो. उसके बाद अपन पहले रेबीज, रेबीज जिस पैथोजन से होता है वो है वायरस. रेबीज कौन से पैथोजन से होता है, वायरस. और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट, ये एनिमल बाइट. मतलब अगर डॉग या कैट जिसको रेबीज है वो डॉग या कैट ने बाइट कर लिया तो रेबीज होने के चांसेस है. एनिमल बाइट बाय इन्फेक्टेड एनिमल सच एज कैट और डॉग. उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर, जो स्ट्रे एनिमल होते हैं, जो जो गलियों में एनिमल्स होते हैं, स्ट्रे एनिमल जो होते हैं उनको छेड़ो मत. अगर उनको छेड़ोगे तुमको काटेंगे. और उस कुत्ते में या उस बिल्ली में, उस डॉग में, कैट में अगर रेबीज हुआ तो तुम्हें भी आ जाएगा. तो स्ट्रे एनिमल से ज्यादा छेड़छाड़ मत करो, वरना अगर उन्होंने बाइट कर लिया तो आपको रेबीज होने के चांसेस है. ठीक है, और प्रॉपर वैक्सीनेशन. रेबीज के बारे में पढ़ा, रेबीज कौन से पैथोजन से होता है, रेबीज होता है वायरस से. ठीक है, और रेबीज का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है एनिमल बाइट, जैसे डॉग और कैट जिसको रेबीज ऑलरेडी है. तो एज एन प्रिवेंटिव मेजर व्हाट यू कैन डू, यू शुड नॉट टीज द स्ट्रे एनिमल. स्ट्रे एनिमल को मत टीज करो, बिकॉज अगर वो आप उनको टीज करोगे, उनको तंग करोगे तो वो आपको बाइट करेंगे. एंड यू नेवर नो कौन से डॉग में रेबीज है, और वो डॉग ने अगर आपको बाइट करे तो यू वुड बी ऑल्सो गेट इफेक्टेड बाई रेबीज. इज इट क्लियर? ओके, अब अपन पढ़ रहे, अपन ये डिजीजेस इन ह्यूमन बींग पढ़ लिया. अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़े डिजीजेस इन प्लांट एंड एनिमल. इंसानों में बीमारी कैसे होती है, थ्रू एयर, थ्रू इंसेक्ट, थ्रू कट्स, और ये सब अपन ने पढ़ा. प्लांट और एनिमल में कैसे होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काफी सारी बीमारियां होती है प्लांट और एनिमल में भी. जैसे एनिमल में कौन कौन सी बीमारियां होती है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फुट एंड माउथ डिजीजेस, एंथ्रैक्स, देन फिन रूट्स, रेबीज, ये सारी डिजीजेस होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एनिमल में होती है. अब प्लांट में कौन सी डिजीजेस होती है थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट में कौन सी डिजीज होती है, वो होता है सैट्रिक कैंकर, टेबैको मोसाइक, ककंबर मोसाइक, रस्ट ऑफ वीट, ये सारी डिजीजेस है जो प्लांट में होती है. क्लियर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्लांट में भी काफी डिजीजेस होती है और एनिमल में भी डिजीज होती है. एनिमल में कौन कौन सी डिजीज होती है, रेबीज, एंथ्रैक्स, फुट एंड माउथ डिजीजेस, स्पिन रूट्स, ये सब. और प्लांट में कौन कौन सी डिजीजेस होती है, सैट्रिक कैंसर, टोबैको, वीट ऑफ रस्ट, ककंबर मोसाइक. क्लियर? बोर्ड पे ध्यान दो. मलेरिया कौन से पैथोजन होते हैं, प्रोटोजोआ से होता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड क्लोथ और टॉवल. एंड प्रिवेंटिव मेजर, नॉट लेटिंग मॉस्किटो ब्रीड इन स्टेग्नेंट वाटर. स्टेग्नेंट वाटर में मॉस्किटोज को ब्रीड मत करने दो. रेबीज वायरस से होता है. इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एनिमल बाय इन्फेक्टेड एनिमल, जैसे डॉग और कैट ने अगर बाइट कर लिया तो. एंड प्रिवेंटिव मेजर में नॉट टीजिंग स्ट्रे एनिमल, स्ट्रे एनिमल को टीज मत करो और प्रॉपर वैक्सीनेशन ले लो. डिजीजेस इन एनिमल एंड प्लांट. अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पर डिजीजेस इन एनिमल एंड प्लांट. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस डिजीज इन एनिमल. एनिमल में कौन कौन सी डिजीज होती है, फुट एंड माउथ डिजीज, एंथ्रैक्स, फिन रूट्स, रेबीज, ये सारी डिजीज होती है जो एनिमल में होता है. प्लांट में कौन सी होती है, सैट्रिक कैंकर, टोबैको मोसाइक, ककंबर मोसाइक, रश ऑफ वीट, ये सारी डिजीजेस होती है जो प्लांट्स में होती है थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो आपको ऐसा पूछ सकते हैं, नेम्स ऑफ डिजीजेस कॉज्ड इन एनिमल थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या नेम्स ऑफ डिजीज कॉज्ड इन प्लांट थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्लियर? नोट्स बनाओ इसके. अबाउट डिजीजेस इन एनिमल, सबसे पहले फुट एंड माउथ डिजीज. फुट एंड माउथ डिजीज जो होती है वो यूजुअली कैटल्स में होती है, और वो डिजीज का पैथोजन है वायरस. वो डिजीज जो फुट एंड माउथ डिजीज एनिमल में होती है उसका पैथोजन है वायरस, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटेमिनेटेड एयर एंड वाटर. अगर कंटेमिनेटेड खराब एयर एंड वाटर से भी डिजीज होती है, एंड कंटेक्ट विद द डिजीज्ड एनिमल, की कोई एनिमल जिसको फुट एंड माउथ डिजीज है उससे कंटेक्ट करे तो दूसरे एनिमल को भी हो सकती है. ठीक है, तो सबसे पहले डिजीज फुट एंड माउथ डिजीज. फुट एंड माउथ डिजीज के कौन से एनिमल्स को यूजुअली होती है, कैटल्स को होती है. इसका जो पैथोजन है वो है वायरस, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर वाटर एंड कॉन्टैक्ट विद द डिजीज्ड एनिमल. क्लियर? उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़े एंथ्रैक्स.
एंथ्रेक्स करके जो डिजीज है वो कौन से एनिमल होते हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जो ग्रेज करते हैं वैसे एनिमल्स में होती है, और इसका मोड ऑफ पैथोजन है बैक्टीरिया और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल। जिस एनिमल को ये है एंथ्रेक्स है उससे कंटैक्ट करने से दूसरे एनिमल को भी डिजीज हो सकती है। एंथ्रेक्स के बारे में पढ़ा, एंथ्रेक्स कौन से पैथोजन से होता है, एंथ्रेक्स होता है बैक्टीरिया से, और ये इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इज कंटैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल। फिर रिंडरपेस्ट, रिंडरपेस्ट जो डिजीज है वो कौन से एनिमल से होती है, कैटल में, कौन से एनिमल में होती है, कैटल्स में होती है, और उसका जो पैथोजन है वो है वायरस, और उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही है कॉन्टैक्ट, जो कंटामिनेटेड एयर एंड वाटर होता है वो, या तो कॉन्टैक्ट विद द डिजीज एनिमल। फिर है फिन रूल्स, फिन रूल्स करके जो बीमारी होती है वो किसमें होती है, फिश में, किसमें होती है, फिश में, और उसका जो पैथोजन है वो है बैक्टीरिया और फंगस, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कुछ इंजरी हो गई या तो कंटामिनेटेड वाटर है, खराब पानी से, कंटामिनेटेड पानी से या तो इंजरी से। उसके बाद रेबीज, रेबीज किसमें होता है, कैट्स एंड डॉग में होता है, और उसका पैथोजन है वायरस, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एनिमल बाइट। क्लियर, फूड पे ध्यान दो। फुट एंड माउथ डिजीज किसमें होती है, कैटल्स में होती है, उसका पैथोजन है वायरस, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटामिनेटेड एयर एंड वाटर एंड कंटैक्ट विद द डिजीज्ड एनिमल। फिर एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है वो कौन से एनिमल से होती है, ग्रेजिंग एनिमल से होती है, उसका पैथोजन है बैक्टीरियम, और उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल। फिर रिंडरपेस्ट, रिंडरपेस्ट करके जो बीमारी है कौन से एनिमल से होती है, कैटल से, उसका पैथोजन है वायरस, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कंटामिनेटेड एयर एंड वाटर। फिर आता है फिन रूट, फिन रूट जो बीमारी होती है कौन से एनिमल से होती है, एनिमल में होती है फिश, पैथोजन है बैक्टीरियम या फंगस, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंजरी, कंटामिनेटेड वाटर, ये सब। फिर रेबीज, रेबीज जो बीमारी होती है कौन से एनिमल से होती है, कैट्स एंड डॉग्स, उसका पैथोजन वायरस है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एनिमल बाइट। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ, इसके नोट्स बनाओ। प्लांट्स में जो डिजीज होती है उसके एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन है। प्लांट्स की डिजीज है साइट्रिक कैंसर। ये जो साइट्रिक कैंसर डिजीज है वो कौन से पैथोजन से होती है, बैक्टीरियन से होती है, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। फिर टबैको मोज़ेक, टबैको मोज़ेक कौन से पैथोजन से होता है, वायरस से होता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसफर है इंसेक्ट। येलो बीन मोज़ेक ये होता है वायरस से, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट। फिर आ जाता है रस्टन वीट, जो रस्टन वीट है वो होता है फंगस से, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। ओके, तो बेसिकली ये कुछ प्लांट्स की डिजीज थी, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, प्रॉपरली नोट्स बना लेना उसके। आज का लेक्चर अपना इधर ही कंप्लीट होता है। थैंक यू।